हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास्ट ईयर की क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन में हम लोग इकोनॉमिक्स को बेसिकली इस समय फोकस किए हुए हैं। तो फटाफट कंप्लीट करते हैं और लास्ट क्लास के डिस्कशन को ये आगे लेकर के चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिनको आप लोग अपनी प्रिपरेशन की में मदद ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, और ये हमारे कुछ टेस्ट सीरीज हैं। हम लोगों ने अपने पूरे इकोनॉमिक्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन को इन पांच टॉपिक्स में या कह लीजिए चैप्टर्स में डिवाइड करके रखा हुआ था, जिसमें से हम लोग देख रहे थे पॉवर्टी रिलेटेड वाला टॉपिक। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ टॉपिक है हमारे पास। ऑलरेडी हम लोगों ने दो सेशन कर रखे हैं इस पे, 50 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हो रखे थे, 53 क्वेश्चन तक इनफैक्ट हो रखे थे। 54th क्वेश्चन से हम लोग जरा शुरू करते हैं। 54th क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन बाय कमर्शियल बैंक अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि टीजर लोन होता क्या है। तो देखिए, टीजर लोन का मतलब होता है कि जहां पर टीजर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अट्रैक्शन जब आप दे रहे होते हैं। तो अट्रैक्शन देने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कोई है, अब इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 10% इंटरेस्ट रेट पे बैंक वाला लोन दे रहा है, तो 10% इंटरेस्ट पे लोन लेने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग आएंगे भी और लोग लोन लेंगे भी। क्यों लेंगे, सीधी सी बात है, इनको जरूरत है, डिमांड है, इस वजह से ये लोन लेने आ रहे होंगे। लेकिन इनके पास में लोन लेने के लिए जब तक कोलैटरल नहीं रहेगा तब तक बैंक वाला इनको लोन नहीं देगा। लेकिन इन केस अगर बैंक कहती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर कोलैटरल थोड़ा सा कम भी है, मतलब बैंक जब कॉम्प्रोमाइज करने पर आ जाए कोलैटरल के साथ में, तो इस तरीके के लोन को बोलते हैं टीजर लोन। ये हो जाता है हमारा टीजर लोन, जहां पे अट्रैक्टिवनेस काफी ज्यादा हो जाती है। इस तरीके के लोन में सीधी सी बात है डिफॉल्ट होने के बहुत ज्यादा केस होते हैं, और इस वजह से एनपीए हमारा आगे जाकर के बढ़ सकता है। ये सारा लोन जो दिया जाता है वो मेनली हाउसिंग सेक्टर में ज्यादा दिया जा रहा होता है, ज्यादा क्या इनफैक्ट यही दिया जा रहा होता है, और यही हमारा रीजन बना जिसके कारण से 2014 ऑनवर्ड्स हमें बहुत सारा एनपीए प्रॉब्लम देखने को मिला है हमारे बैंकों में। तो ये थी पूरी टीजर लोन की कहानी जो आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। 2011 में देखिए क्वेश्चन आया था, क्योंकि उस समय का ये हॉट टॉपिक था कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए करंट अफेयर्स में बना हुआ था। तो देख लेते हैं इसके क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले बोलता है टीजर लोन आर कंसिडर टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग। सब प्राइम लेंडिंग का मतलब यही होता है जहां पर बैंक कॉम्प्रोमाइज कर जा रही होती है कोलेटरल के साथ में, and the banks may be exposed to risk of default in future. Correct statement हो जाएगी, यही तो हम लोगों ने पूरा discuss किया है। दूसरा statement बोलता है कि in India the teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneur to set up manufacturing or export unit. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए housing में दे रहा होता है, और ये किसी को भी दे रहे होते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है कि inexperienced entrepreneur को ही देना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा A, clear है। Question number 55 पे आ जाए, Which of the following can aid in furthering the government's objective of inclusive growth? Question है कि inclusive growth को बढ़ाना कैसे है। Question से पहले हम लोग ये देख लेते हैं inclusive growth होता क्या है। Inclusive मतलब होता है inclusion, और inclusion मतलब होता है कि किस तरीके से आप सारी जनता को include करके लेकर के चल रहे हैं। सारे लोग इसमें हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, working भी हैं, non-working भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। कैसे आप इंक्लूजन करेंगे, इसी को बोलते हैं इंक्लूजन, और इनकी ग्रोथ करना ही अल्टीमेटली बन जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ। सबका ग्रोथ करना है, सबका ग्रोथ करने के लिए हमारे पास कुछ इनफॉर्मल इकोनॉमी भी होती है और कुछ साथ में फॉर्मल इकोनॉमी भी हो रही होती है। कुछ ऑर्गेनाइज होती है, कुछ अनऑर्गेनाइज होती है, कुछ वर्किंग होती है, कुछ नॉन वर्किंग होती है। तो हमारे पास नंबर ऑफ तरीके हो जा रहे होते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। सबका ग्रोथ कराना है यानी सबका इंक्लूजन करना हमें जरूरी है, तो सबका इंक्लूजन ही करना है हमें। क्वेश्चन देखेंगे तो स्टेटमेंट नंबर 1, प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनफॉर्मल सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करना है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा। प्रमोटिंग एमएसएमई, जितने भी अनऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज होंगी ये दोनों एमएसएमई में निकल जाएंगी, तो बिल्कुल ये भी करना है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन, वर्किंग नॉन वर्किंग को लेकर के यहां पर आप आ जाएंगे, और बच्चों को भी लेकर के आ जाएंगे कि राइट टू एजुकेशन RTE, तो ये भी ऑप्शन में हो जाएगा। सारा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, इस तरीके से ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि गवर्नमेंट आखिर में जितना भी
इसके पीएसयूज हैं उनको डिसइन्वेस्ट क्यों कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में, इनफैक्ट लास्ट के सीरीज में, इसी सीरीज में लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने एनआईएफ के बारे में, हम लोगों ने देखा था नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। इस नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में हम लोगों ने यह देखा था कि यहां पर जब भी कोई चीज डिसइन्वेस्ट की जाएगी तो उसका पैसा यहीं पर आएगा, और ये आती है बेसिकली दीपम के अंतर्गत में। इसको देखभाल करने के लिए ये बेसिकली ट्रस्ट होता है, और देखभाल करने के लिए जो एक्सपर्ट मेंबर होते हैं वो आ रहे होते हैं। यहां पर क्वेश्चन कहता है कि सीपीएससी का डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है। क्यों करने का मतलब होता है, जब गवर्नमेंट इस पे ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पाती है तो इसको बेच देती है, नंबर वन। नंबर टू, जब सरकार का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिस्कल डेफिसिट बढ़ा क्यों है, क्योंकि ये जो सीपीएससीज हैं ये सही से काम नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से इनको बेच दिया जा रहा होता है। ऑप्शन पढ़ें अगर तो देखिए, गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज द रिवेन्यू अर्न फ्रॉम द दिस इन्वेस्टमेंट मेनली टू पे द एक्सटर्नल डेट। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एनआईएफ में देखा ही था कि ये केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में या सोशल सेक्टर में बेसिकली इसका पैसा यूज किया जाता है, लोन वापस करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सीपीएससी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट की मजबूरी है केवल कि वो उसको देना पड़ रहा है। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि दोनों ही ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएंगे, दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बात करें, यहां पर कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद। सीधी सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रहा होगा तो सीधी सी बात है हमारा जो मार्केट है वो काफी तेजी से बढ़ रहा होगा। इस मार्केट में तेजी में आने से सीधी सी बात है लोगों की जो इनकम कंडीशन है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और लोगों की जब इनकम इंप्रूव हो जाएगी तो इन्फ्लेशन आएगा, और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करके रखना होता है 2 ± 6, जो कि उर्जित पटेल कमेटी ने बोला था। तो ये बेसिकली उर्जित पटेल कमेटी आ जाएगी, क्लियर है, तो ये आ जाएगी इन्फ्लेशन यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में अगर बात करें, लोअरिंग द बैंक रेट बाय आरबीआई। आरबीआई अपने रेपो रेट को अगर मान लीजिए कम कर देती है तो इससे होता क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, इसको ऑलरेडी कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है तो बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ डू डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हेल्प इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी। देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और उस समय का मतलब 2012 के दौरान में करंट अफेयर्स में बनी हुई थी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आया हुआ है सामने। इसमें ऑप्शन पढ़ लें अगर तो, डीआरडीए एक्ट एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन स्पेसिफाइड बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अलग तरीके से, और ये केवल और केवल साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं, ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। डीआरडीए अंडरटेक एरिया स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड मेल न्यूट्रिशन। देखिए अगेन ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये वर्क कर रही होती है मेल न्यूट्रिशन पॉवर्टी पे, लेकिन प्रिपेयर नहीं करती, ये सारा का सारा काम मिल करके करना होता है पंचायती राज के साथ। क्वेश्चन 59 का थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो, डीआरडीएज आर सिक्योर इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। बिल्कुल करेक्ट है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम ही इनको देखना होता है। डीआरडीए वॉच ओवर एंड इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये भी करेक्ट है, एंटी पॉवर्टी के लिए बनाई गई है और यही हमारी काम कर रही होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 और 4 केवल हो जाएगा, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो कि 2011-12 के दौरान में बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। यहां पर कहता है क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर ऑक्सफैम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव बाय यूएनडीपी सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करती है, तो आपको पता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, दोनों ही मैक्सिमम कह सकते हैं कि सेम से पैरामीटर होते हैं, कुछ एमडीपीआई में कुछ ज्यादा होते हैं। तो जो मेन पैरामीटर वो होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और इनकम से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, डिप्रिवेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन असेट एंड सरफेस परचेजिंग, यही हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा है परचेजिंग पावर पैरिटी इन नेशनल लेवल, ऐसा कुछ भी नहीं है, और एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिसिट और ग्रोथ रेट इससे भी रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा इसका केवल और केवल ए। मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोग एक बार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये काफी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसके लिए अलग से एक सीरीज बना करके रखी गई है यूट्यूब पर ही, अगर आप चेक करेंगे तो आपको रिकॉग्निशन आईएएस की एक यहां पर वीडियो मिल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में अगर बात करें, यहां पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर अमंग द नोटिसेबल फीचर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन। 13 फाइनेंस कमीशन जब आई थी तब आई थी और उसके रिकमेंडेशन तभी केवल हमारे लिए अच्छे थे, अभी हमारे लिए केवल और केवल इररिलेवेंट क्वेश्चन बना हुआ है, हमारे और किसी काम का नहीं है। 15th फाइनेंस कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी तब आप जाकर के आप इसको पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर एग्जाम में बनेंगे, अदरवाइज इस पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इनफैक्ट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन ऑन फाइनेंस कमीशन इन दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो यू कैन डायरेक्टली स्किप दिस। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए, अगर कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन DTT थ्योरी भी इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो बर्थ रेट और डेथ रेट होती है वो काफी ज्यादा हाई बनी होती है, फिर उसके बाद से और यहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है कुछ खास बढ़ नहीं रही होती है, स्टैग्नेंट होती है, वो इसलिए क्योंकि जितनी मौतें हुई उतना ही बर्थ हो गया। बर्थ रेट को नहीं घटाया जा सकता है लेकिन डेथ रेट को फिर घटा दिया जाता है और इस तरीके से हमारे पास सेकेंड स्टेज में ये बन जाती है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट पॉपुलेशन जो होती है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। थर्ड फेज में क्या होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को ही कंट्रोल कर लिया जाता है, दोनों ही लो हो जाती हैं और इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन जो होती है वो स्टेबल होना शुरू हो जाती है। लास्ट स्टेज में होता है बर्थ रेट जीरो हो जाती है और डेथ रेट ये लो हो जाती है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है वो घटना शुरू हो जाता है, ऐसा कई सारी कंट्रीज में हमें देखने को मिला है। तो ये बेसिकली है ट्रांजिशन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, तो 2 नंबर पहले, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 62 भी कर लिया, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करें, देखिए कैपिटल गेन के बारे में बात कर रहा है। कैपिटल गेन क्या चीज होती है एक बार देख लेते हैं, कैपिटल गेन क्या चीज होती है। तो देखिए कैपिटल गेन का मतलब होता है अ गेन ऑन कैपिटल, और कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो चीज होती है जो आप एक साल से किसी चीज को ज्यादा टाइम के लिए रखे रहते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल बोलना शुरू कर देते हैं। इस कैपिटल में जैसे रियल इस्टेट आप देख सकते हैं, या फिर कोई पेंटिंग देख सकते हैं, या फिर कोई स्टॉक देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। एक साल के बाद जनरली क्या होती है, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए में कोई चीज खरीदी थी, उसकी रेट बढ़कर के अब 4 लाख हो गई है, तो आपने जो भी कैपिटल खरीदा उस पर आपको 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा गेन हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल गेन। इस कैपिटल गेन के लिए अलग से एक टैक्स लगता है जिसको बोला जाता है कैपिटल गेन लॉन्ग टैक्सेस, तो इस तरीके से हमारे पास टैक्स हो जा रही होती है। क्वेश्चन में अगर आएंगे तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट 1 बोला है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सेल ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि सेल ऑफ प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, सेल हो चाहे ना हो ये तो आपका डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड होता है। ऑप्शन 2 में बात करेंगे तो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज नेचुरल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड, नेचुरल इंक्रीज हो रही है अगर तो हमें कैपिटल गेन हो रहा होता है। ऑप्शन 3 के बारे में बात करें व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज ग्रोथ इन द वैल्यू देन ड्यू टू इट्स पॉपुलैरिटी, ये भी क्या है अगेन कैपिटल गेन आपका हो जाएगा क्योंकि आपने खरीद लिया अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 एंड 3। इस तरीके से हम लोगों ने ऑप्शन देख लिया हमारा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इंक्रीज इन मनी सप्लाई का मतलब हो गया है कि मार्केट में आपको लिक्विडिटी बढ़ानी है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में रखेंगे। मार्केट में पैसा कब रहेगा, सबसे पहले परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अगर मान लेते हैं यह हमारा पब्लिक है, कहां बनाऊं, नीचे बना देते हैं, यह हमारी पब्लिक है जिसके पास में एक सिक्योरिटी पड़ी हुई थी, इस सिक्योरिटी को जब RBI खरीद लेगी और इसके एवज में पैसा रिलीज कर देगी तो इससे क्या मार्केट में पैसा आ गया और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ लिक्विडिटी ये बढ़ा रहा है। दूसरा बोलता है डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक, नहीं, क्योंकि बैंक में चला जाएगा तो बैंक में फिर लिक्विडिटी मेंटेन नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन है बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, करेक्ट है क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मांग रही होगी RBI से तो पैसा मार्केट में आएगा और लिक्विडिटी को बढ़ा देगा। फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात करें सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, अगेन ये नहीं रहेगा क्योंकि पैसा लिक्विडिटी को ये फिर से कम कर देगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा C 1 एंड 3 ओनली, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, यहां पर कहता है कि किसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर रखा था, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था इस पे।
एफडीआई को डायरेक्ट बोला जाता है कि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, यहां पर कोई इनडायरेक्ट वे नहीं लिया जाता है, यानी इसका डायरेक्टली जो भी स्टॉक्स खरीदना होगा चाहे जो भी खरीदना होगा ये डायरेक्टली कर रहा होगा। जबकि पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ऑप्शन देखेंगे तो देखिए सब्सिडियरीज ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, ये एक तरीके की एफडीआई मानी जाती है। अगर किसी कंपनी का इक्विटी मेजर पोर्शन खरीद लिया गया तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एफडीआई कहलाएगी। कंपनी एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाई, पूरी तरीके से अगर फाइनेंस कराई जा रही है तो भी कहा जाएगा ये एफडीआई है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं, ये नहीं कहा जाएगा। इसलिए ऑप्शन केवल और केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल इसका डी। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 पे अगर आ जाए तो यहां पर बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट एनडीसी। एनडीसी फ्रेम से खत्म हो चुकी है इसलिए हम इसको भी स्किप कर देंगे, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाएंगे टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड है यानी जनता बहुत ज्यादा है, वर्किंग लेबर काफी ज्यादा है, क्या करेंगे आप, जितनी भी जनता है उससे आपको काम लेना है। काम कैसे लेंगे, अनस्किल्ड है तो स्किल कर देंगे, इसलिए प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद से और क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम, नहीं ये नहीं करना है। क्यों, सोशल सिक्योरिटी स्कीम करेंगे तो आपका खर्चा ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो जो डोमेस्टिक डिविडेंड है वो, या कह लीजिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बढ़ नहीं पाएगा। रिड्यूसिंग आईएमआर, इससे कोई मतलब नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप स्किल डेवलप करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करने के कारण जो हमारा ये लेबर फोर्स है ये और ज्यादा लेबर करना शुरू कर देगा और इनफैक्ट इफेक्टिव लेबर करेगा। ये इफेक्टिव लेबर आपकी हो सकती है जैसे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए, अराइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस। देखिए किसी भी चीज का प्राइस बढ़ गया है, कब बढ़ेगा, जब इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन कब आएगा, जनरली तब जब लोगों के पास में पैसा ज्यादा रहेगा या मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी। किया क्या जा सकता है, यहां पर देखिए इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। क्या ऐसा करें जिसके कारण से हमारी जो प्राइस राइज वाली जो कंडीशन है वो खत्म हो जाए। तो यहां पर देखिए जब आप ऑप्शन देखेंगे तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, एग्रीगेट डिमांड को कम करना या इफेक्टिव डिमांड को बढ़ा देना, तीनों ही ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी बेसिकली कि क्या चल रहा है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, यहां पर देखिए कहता है कि इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा इन्फ्लेशनरी कौन सा होगा। तो इन्फ्लेशनरी कहने का मतलब है कि जब लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा या मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। देखें अगर क्या ऑप्शन है, देखिए पेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ये भी नहीं है। बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ये भी नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है इन लोगों के पास में जो पैसा आता है वो बेसिकली सप्लाई वाला पैसा होता है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में चेंज होता रहता है, मनी मल्टीप्लायर। लेकिन लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, यहां पर बात चल रही है प्रिंटिंग ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। ये अल्टीमेटली क्या है, लोगों के हाथ में जैसे ही पैसा आएगा वैसे ही लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से वेनेजुएला और ग्रीस वाली जो कंडीशन थी उस कंडीशन पे हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बात करें, कंसीडर या फिर सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम। आप क्या है, लिक्विडिटी को जैसा है वैसा ही बना करके रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। When there is an increase in demand, अब इसके बाद से डिमांड में आपने इंक्रीज कर दी, डिमांड में इंक्रीज कर दिया। आगे बोलता है क्या होगा, फिर क्या होगा बताइए, डिमांड अगर बढ़ गया है लिक्विडिटी मेंटेन है तो क्या होगा। लिक्विडिटी अगर मान लीजिए ज्यादा है या कम है, कुछ भी हो गया, यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि महंगाई बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जो इंटरेस्ट रेट बैंकों के हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब ऑप्शन देखेंगे तो फॉल इन प्राइस लेवल नहीं होगा, महंगा हो जाएगा, बल्कि इंक्रीज ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा और इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल इसका बी। क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है किसी कंट्री में, तो इकोनॉमिक अगर ग्रोथ हो रही है तो किस तरीके से हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तब बोला जाएगा जब इसमें या तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका काफी अच्छे से इंक्रीज कर जाए, हालांकि इसको सोशल ग्रोथ भी बोला जाता है लेकिन यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक फैक्टर आ जाएगा पर कैपिटा इनकम के नाम पे। दूसरा जीडीपी अगर काफी अच्छे से बढ़ रही हो, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका एक्सपोर्ट काफी अच्छा बढ़ रहा हो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है।
ऑप्शन अगर देखेंगे तो देखिए देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन वर्ल्ड इकोनॉमी, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें तो कंट्री से मतलब है। दूसरा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, ये तो हमारे लिए बर्डन भी बन सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कैपिटल फॉर्मेशन अगर कर देती है कोई गवर्नमेंट, क्या होगा, जरूरी नहीं है कैपिटल फॉर्मेशन पे। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल फॉर्मेशन करती भी है तो हो सकता है, पहले बात तो इंस्टेंट मिलेगा नहीं, कुछ सालों बाद ही मिलेगा, और हो सकता है वो फेल भी हो जाए। इस वजह से उतना ज्यादा हम नहीं कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ है ही। लेकिन अगर ट्रेड इसका ग्रो कर रहा है तो सीधी सी बात है इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फंडा आ जाएगा, और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में बात करें, इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी, कैसे इंटरेस्ट रेट जो होता है डिक्रीज होगा। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट के बारे में देखा था, देखिए ये इंटरेस्ट रेट हाई कब हुआ था, जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी। उल्टा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर इंटरेस्ट रेट हमारा गिरेगा, डिक्रीज करेगा, यानी लिक्विडिटी को हमको कम करना है इसमें। तो लिक्विडिटी को आप सीधी सी बात है इसको करिए कम, यानी डिमांड सप्लाई में अगेन मिसमैच हो जाएगा, और ये मिसमैच होगा बेसिकली एक तरीके का ऐसा जिससे लिक्विडिटी कम हो गई है, अगेन इन्फ्लेशन यहां पर भी फिर से बढ़ेगा क्योंकि वो शॉर्ट टाइम का हो रहा होगा। तो डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, अब बताइए अगर डिक्रीज इंटरेस्ट रेट में कर दिया जाएगा तो लोगों के पास पैसा तो है नहीं, तो डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, क्या ये होगा? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या है। इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर अगर आप करेंगे तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, इनफैक्ट यही होगा ही। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन घटाया जाएगा तो सीधी सी बात है यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में देखिए बढ़ोतरी भी हो सकती है, घटाव भी हो सकता है, डिपेंडिंग की सिचुएशन कैसी है। जैसे कोविड का केस है, यहां पर लोग अचानक से पहुंच गए थे और तुरंत 5 किलो 10 किलो सामान लेना शुरू कर दिया, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया था कंजम्पशन करने का। वही हमारा लास्ट में टोटल सेविंग, इस पर भी हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट, क्या इसमें नॉन प्लान में आती है? आने को तो सारा ही आता है लेकिन हम लोग इसको हटा देंगे क्योंकि प्लांड और नॉन प्लांड ये दोनों के दोनों मर्ज कर दिया गया है, तो अब हमारे लिए किसी काम का ये क्वेश्चन नहीं है, तो स्किप करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग, अगेन स्किप करेंगे क्वेश्चन क्योंकि जीएसटी आ चुका है, हमारे किसी काम का ये अब नहीं बचा है। लास्ट ऑप्शन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होती है? हम लोगों को पता है एक होती है जो वेंचर कैपिटलिस्ट होती है और दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ये दोनों ही लोग क्या करते हैं, फंड कर रहे होते हैं स्टार्टअप्स को। हालांकि दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर। बाकी यहां पर जब आप देखेंगे तो इट इज अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल स्टार्टअप प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी जब आंसर देखेंगे तो उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई भी इस तरीके का अलायंस नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हो गई हमारी आज की डिस्कशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है या एनी टाइप ऑफ डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उसको ज्वाइन करके आप उससे डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।